माय डियर, टेस्ला कर क्या रहे, सॉरी इलॉन मस्क कर क्या रहे? इलॉन मस्क एक बना रहे हैं स्टारलिंक। क्या बना रहे हैं? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वो अपना सैटेलाइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वो चारों तरफ अपना सैटेलाइट लगाएंगे। वो सैटेलाइट करेंगे क्या? आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आप दुनिया के किसी कोने में हैं, इलॉन मस्क आपको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे और स्पीड का कोई झोलझाल नहीं होगा। बराबर स्पीड चाहे पाताल में आप बैठे हो आपको मिलेगा। अब जरा सोचिए, पूरा दुनिया जब ऐसा स्टारलिंक बना लिया उन्होंने, तो पूरा दुनिया किसका नेट यूज करेगा? किसका यूज करेगा? अभी एक महीने का अगर हमको नेट डलवाना हो, रिचार्ज करवाना हो, लगभग कितना लगता है? 200 रुपए लगता है, 200-250 रुपए लगता है, 250 हो गया अभी बढ़ के। अभी इलॉन मस्क कहें कि ऐसा है, अब पूरी दुनिया जितने लोग इंटरनेट यूज करते हो, अब ऐसा करो, ये हमको इतना ज्यादा नहीं चाहिए, हमको 1 रुपया डेली दे दो, बस फुल यूज करो, जितना यूज करना यूज करो। अब जरा सोचो, अगर 8 अरब जनसंख्या है, कितने अरब मोबाइल यूज करती होगी? और जितने अरब मोबाइल यूज करती होगी, हर दिन उतने अरब पैसे इलॉन मस्क के अकाउंट में जाएंगे। जो भी फ्यूचर को ओन करता है वो अमीर बनता जाता है, और जो फ्यूचर को ओन नहीं करता है वो गरीब बनता जाता है। इसलिए माय डियर, आज इस प्रोग्राम को रखने का सीन यही था कि हम लोग जागृत हों, हम लोग इस पर काम करें, और हमें काम करके अपने फ्यूचर को खुद ही ओन करना पड़ेगा। माय डियर, जितना ज़्यादा आप फ्यूचर को ओन करोगे, जितना ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा आप अमीर बनते जाओगे। आपको बताऊं, आज से 5 साल पहले मैं 0 था, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, एक सिंगल रुपये। मैं सोचता था इंसान के पास 5 रुपये कैसे होते हैं यार। उसके बाद मैंने आने वाले 5 सालों के बारे में सोच रहा था, फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, और आज आपके सामने। और आने वाले समय में मैं अब 10 साल का सोच रहा हूं, और आने वाले 10 साल में आप देखेंगे मैं कहां से कहां जा रहा हूं।